गाइज एलियन है या नहीं यह अब भी एक सवाल ही बना हुआ है, लेकिन समय समय पर इसको लेकर दावे भी किए गए हैं। मेक्सिको के एक गांव में आजकल एलियन को लेकर एक बड़ा अजीबोगरीब दावा किया जा रहा है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। एक मेक्सिकन जनजाति जो अमेरिका के गुप्त सैन्य अड्डे के पास रहती है, यह जनजाति यहाँ करीबन 60 साल से रह रही है, लेकिन अब ये परेशान है क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि इस गुप्त अड्डे पर एलियन आते जाते रहते हैं और यहाँ स्थानीय लोगों की गायों का अपहरण करके उनके अंग काट देते हैं। गांव वालों को कहना है कि उन्होंने यूएफओ को पहाड़ के आसपास देखा है और इस पहाड़ से अजीबोगरीब आवाज भी सुनी है और प्रकाश की किरणें भी देखी है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उनका भी अपहरण कर लिया गया था और फिर उनको एक गुफा में ले जाया गया और फिर वहां पर गायों के साथ छोड़ दिया गया। इस इलाके के पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि यहां पर एलियन आते रहते हैं। इस अधिकारियों के पास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मेरना हेमसे नाम की एक स्थानीय महिला अपने 6 साल के बेटे के साथ घर जा रही थी, उस समय यूएफओ को एक गाय को प्रकाश किरण के साथ उठाते हुए देखा और फिर उसे और उसके बेटे का भी अपहरण कर लिया गया था और फिर वहां पर उनके कपड़े निकाल के उनके शरीर की जाँच की गई।